हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है कि बाइनेंस एक्सचेंज फाइनली वापस आ चुका है, अब हम इसके अंदर वापस से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली बाइनेंस एक्सचेंज ने FIU के साथ खुद को रजिस्टर कर लिया है और जो इसके ऊपर फाइन लगाया गया था ऑलमोस्ट 19 करोड़ का, वो भी इसने फाइन यहाँ पर पे कर दिया है। लेकिन अभी इसके ऊपर एक पेनल्टी लगी हुई है, GST पेनल्टी, जो कि 86.88 मिलियन डॉलर की है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 722 करोड़ रुपये बन जाते हैं। तो अभी ये बाइनेंस को पे करना बाकी है। अब FIU के साथ बाइनेंस कमबैक कर चुका है इंडिया में, तो किस तरीके से वर्क करने वाला है, टैक्स और TDS का क्या सीन रहने वाला है, विड्रॉवल प्रॉब्लम जो आती थी इंडियन एक्सचेंज में, क्या वही प्रॉब्लम हमें बाइनेंस एक्सचेंज के साथ देखने को मिलेगी या नहीं, लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा आती है इंडियन एक्सचेंज में, तो क्या यही सारी प्रॉब्लम हमें अब बाइनेंस एक्सचेंज के साथ भी देखने को मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे आप लोगों के मन में। तो ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बाइनेंस की एप्लीकेशन भी अब आपको देखने को मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे भी और एप्पल ऐप स्टोर पे भी, तो दोनों जगह इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके जो URL ब्लॉक हुए थे वो भी अब अनब्लॉक हो चुके हैं, फाइनली बाइनेंस एक्सचेंज को इंडिया में वापस से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो TDS और टैक्स इंप्लीमेंट होंगे वो यहाँ पर किस तरीके से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, क्या यहाँ पर बाइनेंस खुद से TDS डिडक्ट करने वाला है जिस तरीके से इंडियन एक्सचेंज करते हैं। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ये अपडेट निकल कर आएंगी हम लोगों के सामने, ये सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर दूंगा। और जब भी कोई ऐसी अपडेट आती है तो फौरन वीडियो बनाकर अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब हम यहाँ पर बात करें TDS की, तो वो यहाँ पर किस तरीके से लगने वाला है। अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टो से क्रिप्टो के पेयर में ट्रेड करते हो तो आपको बाय और सेल पे दोनों जगह 1-1% का TDS देना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो टू INR पेयर में ट्रेड करते हो तो फिर आपका बाय करते वक्त कोई TDS नहीं कटेगा, लेकिन हाँ जब आप सेल करोगे तो तब आपका यहाँ पर 1% TDS लगने वाला है। हालांकि अभी बाइनेंस एक्सचेंज में INR पेयर अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें INR पेयर भी बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल जाए। तो हम बात करते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड डाउट की, वो ये कि बाइनेंस एक्सचेंज में क्या विड्रॉल प्रॉब्लम आने वाली है या फिर यहाँ पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम आने वाली है, जैसा कि हमें इंडियन एक्सचेंज में देखने को मिलता है। क्योंकि कभी भी यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज में विड्रॉवल रोक दिए जाते हैं, डिपॉजिट हमेशा ओपन रहता है लेकिन विड्रॉवल बंद कर दिए जाते हैं। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है और सेलिंग दबाकर स्टार्ट हो जाती है तो इंडियन एक्सचेंज में लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती है। बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आज तक नहीं आई है और ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम पर भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, विड्रॉवल के ऊपर यहाँ पर एक डाउट ज़रूर है कि क्या यहाँ पर विड्रॉवल रोक दिए जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के कहने से या फिर विड्रॉवल यहाँ पर ओपन रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा भी सवाल है। लेकिन आने वाले टाइम पे हमें इसका भी जवाब मिल जाएगा। वैसे अगर आपको मैं क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर विड्रॉवल प्रॉब्लम होगी या नहीं, तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पर कभी ऐसी विड्रॉवल प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वर्क कर रहा है और आज तक इसके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली है। एक टाइम पर बाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है, लेकिन तब भी इसके अंदर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी, ना लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना ही विड्रॉवल प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये इंडियन एक्सचेंज के लिए सिरदर्दी का सबब ज़रूर बन सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम हमें इंडियन एक्सचेंज में देखने को मिलती है उस जैसी कोई भी प्रॉब्लम हमें इंटरनेशनल एक्सचेंज में या फिर कह सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज में देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि अब अगर वो खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं तो फिर ये इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वो इनको यहाँ पर खा जाने वाले हैं, क्योंकि इंडियन यूज़र काफ़ी ज़्यादा परेशान है इंडियन एक्सचेंज को लेकर। जब उनको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा इंटरनेशनल एक्सचेंज के रूप में यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज के रूप में, तो फिर वो इंडियन एक्सचेंज को टाटा बाय बाय कर देंगे। अगर इंडियन एक्सचेंज को मार्केट में टिका रहना है तो खुद को अपग्रेड करना उनको ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर खुद को शटडाउन भी कर सकते हैं। बस यही दो रास्ते हैं। जिन लोगों का भी फंड इंडियन एक्सचेंज में है, मैं तो यही बोलूँगा धीरे धीरे करके वो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे शिफ्ट कर दें अपने फंड को। और अब तो आप बाइनेंस एक्सचेंज को भी इजीली यूज़ कर सकते हो, तो जिन लोगों का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है वो भी इस एप्लीकेशन को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ है वो आज ही इसके अंदर अपना अकाउंट बना ले, अपने आप को रजिस्टर कर ले। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी और साथ ही साथ इस एक्सचेंज की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। और एक बहुत बड़ा डाउट और होगा आप लोगों का, वो ये कि जो अभी तक आपने बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रेड की थी यानी कि बैन होने से पहले जब ये FIU के साथ रजिस्टर नहीं था, उस वक्त जो आप लोगों ने इसमें ट्रेड की थी बाय सेल करके जो भी प्रॉफिट बनाया था या जो भी लॉस किया था, क्या वो सारा डाटा बाइनेंस एक्सचेंज हमारे गवर्नमेंट के साथ शेयर करने वाला है?
तो उसका क्लियरली अगर मैं आपको आंसर दूं तो इसका आंसर यस है। तो अब इसको इंडियन गवर्नमेंट की बात भी सुननी पड़ेगी, अगर वो डाटा मांगते हैं हम लोगों का तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बाइनेंस एक्सचेंज को हमारा डाटा भी शेयर करना पड़े इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो फिर हमें पता है इसके साथ क्या होने वाला है, इसको वापस से बैन कर दिया जाएगा, शट डाउन कर दिया जाएगा इसको। तो बाइनेंस एक्सचेंज इंडिया जैसे बड़े मार्केट को छोड़ने वाला नहीं है, तो ये हम लोगों का डाटा आज नहीं तो कल ज़रूर शेयर करता है अगर इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों का डाटा मांगती है तो। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करके चलनी है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो, उस प्रॉफिट का अब आप लोगों को हिसाब किताब रखना ज़रूरी है अपने ट्रेड का। हर एक ट्रेड को अब आप नोट करते चलो, क्योंकि जब आप टैक्स फाइल करोगे तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है कि बाइनेंस एक्सचेंज फाइनली वापस आ चुका है, अब हम इसके अंदर वापस से ट्रेड कर सकते हैं। जो टैक्स हम लोगों को पे करना है वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट बनाएंगे तभी टैक्स पे करेंगे। कि अब तक आप यहाँ पर अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश की है। ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।